अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की सोमवार को उनके आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या कहा जा रहा है और पुलिस को शव के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। नरेंद्र गिरी प्रयागराज के बांगबरी मठ के महंत थे और संगम किनारे प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी भी थे। नरेंद्र गिरी एक बड़े महंत तो थे ही, साथ ही यूपी की सियासत में भी सपा से लेकर बीजेपी तक उनका सियासी कनेक्शन रहा है। आपको बता दें, सनातन धर्म से लगाव और राजनीतिक गलियारों से जुड़ाव के चलते नरेंद्र गिरी द्वारा समय समय पर दिए गए बयान सुर्खियों में बनते रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी प्रयागराज जिले के अंतर्गत पड़ने वाली फूलपुर तहसील के रहने वाले थे। नरेंद्र गिरी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित देश के कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है। आपको बता दें, प्रयागराज के बांगबरी मठ के महंत के होने के नाते स्थानीय लोगों के अलावा देश और प्रदेश के राजनीतिक दलों के नेताओं का भी उनके यहाँ आना जाना था। उत्तर प्रदेश में चाहे सपा की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार, महंत नरेंद्र गिरी का राजनीतिक रसूख हमेशा कायम रहा। मुलायम सिंह यादव और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लगाव की बात हो या भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महंत नरेंद्र गिरी का सभी से रिश्ता रहा है। प्रयागराज आगमन पर तमाम बड़े नेता और मशहूर लोग संगम स्थित हनुमान जी के दर्शन करने और महंत नरेंद्र गिरी से मिलने जरूर आते थे। रविवार को भी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंदिर जाकर उनसे आशीर्वाद लिया था। ऐसे ही यूपी में सीएम रहते हुए मुलायम सिंह यादव भी जब भी प्रयागराज आया करते थे तो हनुमान मंदिर में नरेंद्र गिरी ही दर्शन कराया करते थे। प्रयागराज में साल 2019 में कुंभ आयोजन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंगा पूजन कराने का काम महंत नरेंद्र गिरी ने ही किया था। इस दौरान पीएम मोदी के साथ नरेंद्र गिरी की नजदीकियां देश भर के लोगों ने देखी थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शोक जताते हुए कहा है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज के अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। प्रभु उन्हें अपनी ही चरणों में स्थान दे। आपको बता दें कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को हनुमान मंदिर में दर्शन कराने से लेकर बांगबरी मठ में भोजन कराने के दौरान तक की तस्वीरें अब भी बड़े हनुमान मंदिर और मठ में लगी हैं। साल 2004 में बांगबरी मठ गद्दी के महंत बनने के बाद नरेंद्र गिरी का सबसे पहला विवाद तत्कालीन DIG RN सिंह के साथ हुआ था। ये विवाद जमीन से ही जुड़ा था। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था। मुलायम सिंह ने महंत नरेंद्र गिरी के लिए RN सिंह को सस्पेंड तक कर दिया था। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी के मुलायम सिंह यादव के साथ साथ उनके पुत्र सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ भी काफी नजदीकियां रही हैं। 2012 से लेकर 2017 तक यूपी में अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री रहे तब अक्सर महंत नरेंद्र गिरी की उनसे मुलाकात होती थी। अखिलेश हमेशा उनके द्वारा रखी गई बातों को गंभीरता से लेते थे और अमल में लाया करते थे। साल 2012 में सपा नेता और हंडिया से विधायक रहे महेश नारायण सिंह के साथ नरेंद्र गिरी का विवाद हुआ था, जिसे अखिलेश यादव ने शांत कराया था। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।